जिस दिन तुम्हारे कमरे में 100+ किताब हो गई, समझ लेना तुम खतरे में हो। तो बेसिकली सर का कहने का मतलब ये है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट में रखो। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक को कई बार पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी ओझा सर भी अच्छी बात कर देते हैं, और कभी कभी तो कहते हैं इतना पढ़ो ताव उताव फट जाए। और करना क्या है? वो करना क्या है? सही बात है, और करना क्या है, पढ़ पढ़ के किताब फाड़नी है। सुबह के 5 बजे से अलार्म बज रहा था, आलस को किसी तरह साइड करके 5:30 बजे बिस्तर से निकला हूँ और गर्म पानी पी लिया। नींद पूरी तरह से खुल गई है, 6:45 बज रहा है। 6 बजे से अपना सेशन शुरू करते हैं और हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारा जियोग्राफी चल रहा है। ये वीडियो जियोग्राफी का ही एक पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। पूरे में नहीं, फिजिकल जियोग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, कब कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, इसमें कितनी सारी और ऐड हो रही हैं, नाम बड़ा कन्फ्यूजन है। PYQ सॉल्व कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। एनीवेज अपना शुरू करते हैं सेशन, 1.5 घंटे का लगाते हैं, उसके बाद फिर 8 बजे से जिम चलेंगे, बाकी दिन में फिर लाइब्रेरी में चल के लगाएंगे। तो 6 बजे से 7:30 बजे तक मैंने अपना पहला मॉर्निंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जिम जाने के लिए रेडी हो लेते हैं 7:45 बजे तक, उसके बाद निकलेंगे। और ये हमारा है प्री वर्कआउट, 1 ब्लैक कॉफ़ी, 1 केला, 2 ब्राउन ब्रेड, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और सुबह सुबह पता चला कि आज मेरा गैस ही ख़त्म हो गया है, तो इसे साथ में ले चलते हैं, दे देंगे भर जाएगा और वापस आते टाइम इसे ले आएंगे। तो 1 घंटे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद 9 बजे मैं निकल लिया रूम पर, और रास्ते में ले लिया मैंने 1 पैकेट दूध नाश्ता बनाने के लिए, और जल्दी से अनार छील लिया। आजकल मैं अपने डाइट में फल ऐड कर लिया हूँ, और ये है पपीता, दोपहर में खाएंगे नहाने के बाद धूप में। और अंडे की मैंने पूरी ट्रे ले ली है, इससे फ़ायदा हो जाता है 20-25 रुपये का, क्योंकि अंडा तो डेली बनाना ही रहता है, कभी ऑमलेट हुआ कभी बॉयल करना हुआ, तो इसलिए फ़ायदा होता है ट्रे लेने में। तो ये है आज का हमारा नाश्ता, दूध, चने, अनार छिले थे और अंडा ब्रेड बना लिया था। तो इस तरह से 10 बजे तक हमारा नाश्ता हो गया है कंप्लीट। 10:15 बजे तक मैं नहा भी लिया, और अब जल्दी से अपना लाइब्रेरी जाने के लिए बैग भी पैक कर लेते हैं। और एक मैंने केला काटा था और थोड़े से पपीता, और छत पे धूप में आने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है। 26 जनवरी आने वाली है, तो इसलिए 4-5 हेलीकॉप्टर ये प्रैक्टिस कर रहे थे एयर शो के लिए, जो 5-5 मिनट पर बार बार आ जा रहे थे। तो अब निकलते हैं सीधा लाइब्रेरी के लिए, और रूम पे पढ़ाई ना करके लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ यही है। सुबह 9-10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो 11 बजे तक मैं आ गया लाइब्रेरी, अब अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अपने बुक्स, पेन, मार्कर, मैप सब निकाल लेते हैं। और जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे मैप के साथ पढ़ा जाए तो इसके ज़्यादातर कंसेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाते हैं। सो गाइज़, आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, UPSC प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है, उस टाइम पर एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है जो राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके। मुझे एक पोर्टल मिला है जिसका नाम है सरल UPSC, जिस पर 50 से भी ज़्यादा मेंटर्स अवेलेबल हैं जो वेल क्वालिफाइड, एंड सम मेंटर्स आर ऑलरेडी इन सर्विस लाइक IRS। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से मेंटर्स अवेलेबल हैं, मैं किसी की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, लाइक अभिषेक सर, तो इन्होंने 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है एंड 2 बार इंटरव्यू में भी अपीयर हुए हैं और अभी IRS में हैं। उनकी एक्सपर्टाइज़ की बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, GS के 4 पेपर, CSAT, SA, एथिक्स। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, कन्नडा, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश में बात करी जा सकती है। और एक नॉमिनल फीस पे करके आप भी स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने संदीप भैया ढूंढ लो। और सरल UPSC पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैं जियोग्राफी लगा रहा था NCERT से, और इसमें फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ये टॉपिक मैं पढ़ रहा था। 11 बजे से 2 बजे तक ही हमारा सेशन हो गया है कम्प्लीट। अब चलते हैं मार्केट लंच करने के लिए, यहीं पर मेस में ही खाना खा के वापस लाइब्रेरी आ जाऊँगा। और आज हमारे मेस में बना था दाल, चावल, रोटी और आलू, शिमला मिर्च की सब्ज़ी। चावल मैं नहीं खाया दिन में, क्योंकि चावल मैं डेली नहीं खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ।
और सब्जी आज बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो 2:30 बजे तक लंच करने के बाद मैं वापस आ गया लाइब्रेरी, क्योंकि आज कई टॉपिक पढ़ने थे इसलिए बाहर रुका नहीं। तो अब हमारा ये सेशन रहेगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसमें मैं लगा रहा हूँ क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इंडियन मानसून और अगेन NCERT से भी कर रहा था और GCLeong से भी मैंने कुछ पॉइंट्स करे थे। तो 5 बजे के बाद थोड़ी सी ठंड बढ़ने लगी थी, शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक लेकर फिर अब जा रहा हूँ रूम पे, स्वेटर पहन कर आऊँगा और सुबह का बचा हुआ था दूध तो वो भी पी लेते हैं, थोड़ा सा स्नैक में हो जाएगा। और मेरे पास पड़ा हुआ था ये बोर्नवीटा का एक छोटा पैकेट, तो इसे दूध में डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब चलते हैं वापस लाइब्रेरी और अब 6 बजने वाले थे, अंधेरा होने लगा था। तो ये सेशन हमारा रहेगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस सेशन में मैंने लगाया था ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें पढ़ा था पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, एग्रीकल्चर के भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे मैंने, ट्रांसपोर्ट का भी पढ़ा था। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे मैंने NCERT से ही पढ़ा था, उसके बाद 8 से 9 1 घंटे मैंने PYQ सॉल्व किया था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट व्लॉग में कि आप PYQ के लिए कौन सा बुक फॉलो करते हो, तो मैंने कमेंट में शायद रिप्लाई भी किया था, अभी बता दे रहा हूँ कि 2 बुक्स है मेरे पास, एक है ओसवाल की, दूसरी है दिशा पब्लिकेशन की। PYQ प्रीलिम्स का अगर हो तो सारे बुक्स अच्छे हैं, सबके आंसर्स UPSC के ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके आंसर बनाए रहते हैं। तो प्रीलिम्स का PYQ लेना हो तो कोई भी ले लो, सारे सही हैं, मेरे पास यही 2 हैं, तो इन्हीं दोनों के बारे में ही मैं बता सकता हूँ। तो ओसवाल में जो आंसर एक्सप्लेन किया गया है मुझे थोड़ा सा वो इजी लैंग्वेज लगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, अभी इस टाइम पे मैं वही पढ़ रहा हूँ, दिशा वाली मेरे रूम पर पड़ी हुई है। और GS दोनों में अच्छा दिया है, CSAT की अगर बात करूँ तो CSAT वाला पोर्शन दिशा में अच्छा दिया हुआ है और GS वाला पोर्शन ओसवाल में सब टॉपिक में डिवाइड करके दिया गया है। तो आप जो अच्छा लगे आपको मार्केट जाओ एक बार, जिस बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो वही परचेज़ कर लो। तो अभी मैं PYQ सॉल्व कर रहा था तो इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, कोई नहीं, इसमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, 1-10 दिन और इसे अच्छे से समझेंगे, इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 9 बज गए थे, अब हम चलते हैं अपने रूम पर और रात हो चुकी है, ठंड भी इतनी समय तेज़ पड़ने लगी है और रास्ते से ही ले चलते हैं डिनर, क्योंकि इतनी समय बनाएंगे तो फिर 10-10:30 बजे तक बनाते बनाते ही, तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाऊंगा इसलिए दाल और रोटी सिंपल ले लिया हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता भी हैवी रहता है, लंच भी नॉर्मल रहता है तो रात में उतनी भूख लगती नहीं है। और रात में तो मैं वैसे भी बहुत हल्का ही भोजन करता हूँ, क्योंकि कोई एक्टिविटी तो है नहीं, बस 1 घंटे पढ़ाई करने हैं उसके बाद सोना ही रहता है। तो ये है आज का हमारा डिनर, दाल, 2 तंदूरी रोटी, गाजर, मूली, थोड़े से अचार पड़ा हुआ था वो रख लिया मैंने। तो 9:30 बजे तक डिनर कम्प्लीट कर लिया, अभी रात के 10 बज गए हैं। लास्ट सेशन हमारा है न्यूज़ एनालिसिस का और इससे मैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नोट्स बनाऊंगा। आजकल मैं डायरी में बना रहा हूँ 10-12 दिन से, बहुत पुरानी डायरी है, 2019 की पड़ी हुई थी, मैं सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो लास्ट व्लॉग में कमेंट आया था कि आप करंट अफेयर को कैसे मैनेज करते हो, तो देखो करंट अफेयर का कोई भी सोर्स हो 100% परफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि एक मूवी का डायलॉग भी है कि लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो सेम UPSC में भी है कि करंट अफेयर के लिए कितना भी सोर्स फॉलो कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। UPSC में हर साल 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं जो कहाँ से होंगे किसी को पता नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ लो, एनालिसिस देख लो, मंथली मैगजीन पढ़ लो, योजना करो क्षेत्र, मतलब 100% कवर नहीं होगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के ही अपना मैनेज कर लेता है करंट अफेयर, कोई मंथली मैगजीन पढ़ता है। मैं अपना बताऊं तो न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैं रेगुलर रहने की कोशिश किया था लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, कभी कभी पढ़ता हूँ, लाइक संडे पढ़ लेता हूँ या कभी और हफ्ते में एक दिन और पढ़ लिया, बाकी दिन मैं न्यूज़ एनालिसिस देखता हूँ, उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर अपने नोट्स बनाता हूँ अपनी लैंग्वेज में, और मंथली मैगजीन मैं फॉलो करता हूँ, लाइक या तो इसको एक बार रिवाइज कर लिया ठीक है, बाकी मंथली मैगजीन से मैं कवर करता हूँ। तो यही है, बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो करो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जो आपको ठीक लगे आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपने नोट्स बना रहे हो ठीक है गुड, बस यही है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।